हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल फाइनेंस का ही टॉपिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिस्कस करने जा रहे हैं तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या हिस्ट्री रही है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ ही साथ इसके फंक्शंस इसके स्ट्रक्चर और सबके बारे में जो है डिटेल में आज हम पढ़ेंगे चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटरनेशनल फाइनेंस का की प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा जहां से आप इंटरनेशनल फाइनेंस के सभी टॉपिक्स को अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट लिंक जरूर चेक करें वीडियो देखने के बाद चलिए फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आई है ऑफिशियली ये 27 दिसंबर 1945 को इस्टैब्लिश हुआ था जब 29 नाइन वेन द ट्वेंटी नाइन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटेन वोट्स साइंड इट्स आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट तो जब ब्रिटेन वोट्स साइन किया गया था कॉन्फ्रेंस हुई थी जब ब्रिटेन वोट्स की सिस्टम uh, जब ये आया था तो तभी हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मोनिट्री फंड को भी और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक को भी इस्टेब्लिश किया गया था तो 27 दिसंबर 1945 को जब 29 कंट्रीज़ ने ब्रिटेन वोट्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया किया और आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट साइन किया तभी हमारा आईएमएफ जो है ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था और इट कमेंस्ड इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑन फर्स्ट मार्च 1947 तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है वो 1947 मार्च फर्स्ट को जो है शुरू किया था तो आईएमएफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विच टूडे कंजिस्टो वन एटी थ्री मैंबर कंट्रीज़ आज के टाइम में वन एटी थ्री मेम्बर्स जो हैं कंट्री मेम्बर्स जो हैं वो आई के मम्बर हैं 183 कंट्रीज जो हैं आईएमएफ के मेंबर्स हैं तो द पर्पस ऑफ द आईएमएफ आर टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन तो आईएमएफ का मेन पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना किस तरीके से बाय इस्टैब्लिशिंग अ ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसी मतलब एक ग्लोबल मॉनिटरिंग एजेंसी इस्टैब्लिश की गई है आईएमएफ के द्वारा जो कि सुपरवाइज़ करती है नज़र रखती है बेसिकली कंसल्ट करती है कोलैबोरेट्स करती है जितनी भी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साथ ही साथ इट फैसिलिटेट वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंशन हम जानते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड जो ट्रेड है विदेशी व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है तो एक्सपेंशन में फैसिलिटेट करते हैं यानी कि इसमें यू नो काफ़ी मददगार साबित हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली जब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी एक्सपेंशन होगा इस चीज़ का तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है अपॉइंट किए जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो इसीलिए आईएमएफ ने इसमें बहुत ज़्यादा आईएमएफ का योगदान रहा है और रियल इनकम जो है वो भी इंक्रीज हुई है फर्दर मोर आगे हम बात करें आईएमएफ एम इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आईएमएफ जो है ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे उसमें स्थिरता रहे ताकि जो है टू अवॉइड कम्पैटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन जो भी यू नो कम्पैटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आईएमएफ ये इंश्योर करता है कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनी रहे साथ ही साथ ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन को भी एलिमिनेट करता है कि जो हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज uh, से रिलेटेड जितने भी यू you नो know, बाधाएं हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी ये समाप्त करता है आईएमएफ और अजिस्ट करता है यानी कि हेल्प करता है इन क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ पेमेंट फॉर मल्टी ट्रेड यानी कि कुछ इस तरीके से अजिस्ट करता है कि इस तरीके का सिस्टम बन पाए कि मल्टी ट्रेड की पेमेंट जो है वो हो पाए ईजीली साथ ही साथ मोर ओवर मेंबर कंट्रीज़ विध डिसक्वलीबीरियम इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है हम जानते हैं कि 183 एटी थ्री मेम्बर्स हैं आई एम एफ के राइट और जितनी भी यू नो मेम्बर्स हैं मेम्बर कंट्रीज़ हैं ओब्वियसली उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट के की जो है डिसक्लिबेरियम का मतलब होता है कि इक्वलिटी ना होना डिस इक्वल है ना तो ओब्वियसली उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है डिसक्वलीबीरियम है उनमें और तो उन कंट्रीज़ को आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी उनको अपॉर्चुनिटी uh, प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी यू नो प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सके बाय मेकिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द आईएमएफ अवेलेबल फॉर देम यानी कि कुल मिला के इन्होंने ये बात बोली गई है कि आईएमएफ जो है इनकी मदद करता है ताकि ये अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर पाए अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट कर पाए आई uh, उनके लिए एक तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काम करता है उनको मदद करता है फंड की जिससे वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सही कर पाए उसके बाद आ जाता है इसके ऑपरेशंस की बात करें तो व्हेन ज्वाइनिंग द आईएमएफ, जब आईएमएफ ज्वाइन करा कंट्रीज ने तो ईच कंट्री मस्ट कंट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी अगर आप किसी कंट्री को आईएमएफ का मेंबर बनना है तो उसको कुछ अमाउंट जो है सर्टेन अमाउंट जो कि फ़िक्स होती है वो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी आईएमएफ को जिसको हम बोलते हैं कोटा सब्सक्रिप्शन और साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं एक तरीके का क्रेडिट डिपॉजिट क्रेडिट डिपॉजिट यानी कि ऑब्वियसली आईएमएफ से कंट्रीज़ जो है वो क्या लेती हैं उधार लेती हैं तो उधार के तौर पर जो डिपोजिट होता है ना उसी डिपोजिट को कोटा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं और उसी यही वो अमाउंट होती है तो दीज क्वार्टर्स फॉर्म द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मनी एट दी आई एम एफ डिस्पोजल तो आई एम एफ भी पैसा कहाँ से देता है यहीं से देता है क्योंकि उसको बहुत सारी कंट्रीज जो भी उसकी मेम्बर्स कंट्री है वो सब कंट्रीज जो हैं वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो एज अ डिपोजिट जमा कराती है तो अब जिस कंट्री को ज़रूरत होती है पैसे की तो आई <coughs> एम एफ जो उनको प्रोवाइड कराता है आगे बोला गया है आगे बोला गया है कि आई जो है इस मनी को यूज़ करती है लोन्स ग्रांट करने में यानी कि लोन देने में मेंबर कंट्रीज़ को और मतलब जो ऐसी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको लोन देता है आई इसी अमाउंट से ईच नेशन दैट हैज़ ज्वाइन द सिस्टम कैन इमीडिएटली विद्रो ट्वेंटी ऑफ इट्स कोटा इन केस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कि हर कंट्री जो है जो इस सिस्टम को ज्वाइन कर रही है वो अपने कोटा के 25 परसेंट जो है अमाउंट विड्रॉ कर सकती है अगर उनको पेमेंट प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है तो एंड इट मे रिक्वेस्ट मोर और इससे ज़्यादा भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है अमाउंट की इफ़ दिस सम इज़ इनसफिशियंट यानी कि 25 परसेंट अगर उनके लिए इन है तो इससे ज़्यादा के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो कंट्रीज़ आई से तो द डेट्स हैव टू बी पेड द डेट्स हैव टू बी पेड बैक एज सून एज पॉसिबल तो वो जो डेट्स हैं वो जो उधार है उनको जल्द से जल्द जो है आई एम एफ को चुकाना पड़ता है उन कंट्रीज़ को आगे हमसे बोला गया है एडिशनली द कंट्री मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द पेमेंट डिफिकल्टीज विल बी सॉल्व तो कंट्रीज को जो है ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो पेमेंट डिफिकल्टीज आ रही हैं पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए तो द हाइयर कंट्रीज़ कंट्रीब्यूशन इज जितना ज़्यादा एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा सम ऑफ मनी वो आईएमएफ से बोरो यानी उधार ले सकते हैं तो जितना ज़्यादा वो देंगे उतना ही ज़्यादा वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आईएमएफ से उधार लेने के लिए फर्दर मोर द कोटाज डेटरमाइन द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर वह ओ माई गॉड तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा कोई कोटा देगा ना उस हिसाब से उसकी वोटिंग पावर भी होगी यानी कि जिस कंट्री का जो कंट्री ज्यादा पैसे देगी उस हिसाब से उस कंट्री की वोटिंग पावर भी होगी तो कोटा जो है वो ये भी डेटरमाइन करता है हर मेंबर कंट्री की वोटिंग पावर भी नेक्स्ट हमें बोला गया है द मनी विच द आई एम एफ़ लैंडस शुड नॉट बी कम्पेयर टू ए लोन ऑफ अ कन्वेंशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पे बोला गया है जो मनी आई एम एफ उधार देता है उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए कन्वेंशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से किसी भी कन्वेंशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लोन से उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए फॉर द कंट्री दैट फाइल्स एन एप्लीकेशन इट इज़ रैदर एन अपॉर्चुनिटी टू बाई अ फॉरिन करेंसी एक कंट्री के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करना इट इज़ रैदर देन अपॉर्चुनिटी टू बाय अ फॉरेन करेंसी एंड पेइंग विद गोल्ड और द नेशन नेशनल करेंसी तो यहाँ पे बोला गया है कि कंट्री के पास जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फॉरेन करेंसी भी पे कर बाय कर सकती है साथ ही साथ वो नेशनल करेंसी या गोल्ड में भी वो पेमेंट कर सकती है तो विद इन थ्री टू फाइव ईयर द कंट्री हैज़ टू पे बैक इट्स डेट तो तीन या पाँच साल के अंदर अंदर उस कंट्री को आई को उनका उधार जो भी उन्होंने लिया था वो चुकाना पड़ता है और आई के अकॉर्डिंग ए टिपिकल ईयर करेंसीज आर बोरोड एंड मोस्ट पोटेंशियल बोरोअर्स वॉन्ट ओनली द मेजर कन्वर्टेबल करेंसीज द यू एस डॉलर द जैपनीज एंड द ड्यूशमार्क और द पाउंड स्टर्लिंग एंड द फ्रेंच फ्रां तो यहाँ पे एक बात भी बोली गई है कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा टिपिकल ईयर है जिसमें बोरोवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है यानी कि करेंसीज़ को बोरो किया जा रहा है तो ओनली मेजर कन्वर्टिबल करेंसीज़ जो होंगी उस ईयर के लिए वो रहेंगी यूएस डॉलर जैपनीज इन या ये वाली जो कंट्री करेंसीज़ होंगी उन्हीं को ही आप जो है ले सकते हो कन्वर्ट करा सकते हो साथ ही साथ ऑल दो कोटाज़ आर वर्थ अबाउट वन नाइन्टी थ्री बिलियन इन थ्योरी सम एट द आई एम एफ डिस्पोजल इज डिस्पेटिवली लार्ज तो यहाँ पे बोला गया है कि उस कोटा की जो वर्थ है कीमत है वो वन नाइन्टी थ्री बिलियन डॉलर है लेकिन जो है द सम एट द आई एम एफ डिस्पोजल के पास जो सम है वो इससे भी ज़्यादा लार्ज है बड़ा है इस सम से भी उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है कि द आई एम एफ़ हैज़ नो ओवर कंट्रोल ओवर नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी ऑफ इट्स मैंम्बर कि मेंबर कंट्रीज़ की जो भी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पर आईएमएफ का कोई कंट्रोल नहीं है और इसके अलावा ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड तो द चेन ऑफ कमांड रन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ टू द आईएमएफ कि कमांड की जो चेन है वो रन करती है यानी कि चलती है कहाँ से गवर्नमेंट से उनकी मेंबर कंट्रीज से आईएमएफ तक तो द हाईएस्ट अथॉरिटी इज़ द बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे और जिसमें एक गवर्नर होगा यूजुअली द मिनिस्टर ऑफ़ फाइनेंस होगा वो यानी कि सेंट्रल बैंक का हेड और एडिशनली अगर हम बात करें देर इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिवस भी अवेलेबल होंगे ऑन दी ओकेजन ऑफ एनुअल मीटिंग्स जो भी आई एम एफ की एनुअल मीटिंग्स होंगी उन पर तो आई एम एफ का डे टू डे वर्क क्या है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मैनेज करना जो कि बना हुआ है चौबीस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जो कि एक वीक में थ्री टाइम्स मीटिंग करते हैं और सुपरवाइज करते हैं यानी कि यू नो सुपरवाइजन सुपरविजन करते हैं किस चीज़ पर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई एम एफ की पॉलिसी यानी कि आई एम एफ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा इसको सुपरवाइज करते हैं वो ट्वेंटी फोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो द मेंबर कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट कोटा जो भी मेंबर कंट्रीज जिनका हाईएस्ट कोटा है यानी कि जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट दे रखी है आई को उन कंट्रीज का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है बोर्ड का हु हैज एज मैनी वोट्स एज द कोटा रेगुलेशन टू हिस कंट्री तो यानी कि जितना ज्यादा आई एम एफ को जो पैसा देगा वो डायरेक्टर का मेंबर भी बन सकता है <coughs> आगे हमसे बोला गया है द रिमेनिंग डायरेक्टर आर इलेक्टेड बाई द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज और बाकी के जो डायरेक्टर होंगे यानी कि रिमेनिंग ट्वेंटी थ्री डायरेक्टर्स जो होंगे वो अदर दूसरी जो बची हुई कंट्रीज हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे दे ओनली हैव एज मैनी वोट एज दे हैड इन द इलेक्शन क्योंकि जो जितना ज़्यादा पैसा देगा आईएमएफ को उतना ज़्यादा वोटिंग पावर होगा और जितना ज़्यादा वोटिंग पावर होगा उतने उसी पर डिपेंड करेगा कि कौन डायरेक्टर बनेगा तो दिस पॉइंट इलस्ट्रेट द डोमिनेंस ऑफ द यूएसए तो यूएसए के डोमिनेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यू जो है वो डोमिनेट करता है ब्रिटेन वुड्स के सिस्टम को तो इसके बारे में बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट विद द लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी जो कि है यूनाइटेड स्टेट वो कंट्रीब्यूट करती है सबसे ज़्यादा आईएमएफ को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है यूएसए से तो प्रोवाइडिंग अबाउट एटीन परसेंट ऑफ टोटल कोटा यानी कि जितना भी मेंबर कंट्रीज से कोटा प्राप्त होता है उसका एटीन परसेंट जो है वो अकेला यूनाइटेड स्टेट पे करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो इसीलिए यूएसए हैव मोस्ट वोट्स मोस्ट वोट्स बाय नाउ मोर देन टू सिक्सटी फाइव पॉइंट ट्रिपल जीरो तो यानी कि यूएस से जितना ज़्यादा जो पैसा देगा उतना ही ज़्यादा उसका वोटिंग शेयर होगा तो कुल मिला के यहाँ पर बात की गई है अब हम बात करेंगे इसके कुछ की टेक अवेज़ की यानी कि अभी हमने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में पढ़ा तो मेन मेन हमें जो बातें अपने माइंड में रखनी है आईएमएफ के बारे में वो पढ़ ले पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले बोला गया है कि द इंटरनेशनल मोनिटरी फंड एम इसका एम क्या है ग्लोबल पोवर्टी को कम करना यानी कि ग्लोबली जो गरीबी है पोवर्टी है उसको कम करना और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना एनकरेज करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना तो ये इंटरनेशनल मोनिट्री फंड का मेन एम है दूसरा आई एम एफ हैज़ थ्री मेन फंक्शंस तो आई एम एफ के तीन मुख्य कार्य हैं जिसका नाम है ओवर सीइंग इकनॉमिक जिसके बारे में भी हम डिटेल में भी जाएंगे. ओवर सीइंग इकनॉमिक डेवलपमेंट करना लैंडिंग यानी कि उधार देना और साथ ही साथ कैपेसिटी को डेवलप करना क्षमताओं को बढ़ावा यानी कि क्षमताओं क्षमताएँ विक्स, विकसित करना कैपेसिटी डेवलपमेंट करना <coughs> उसके बाद थ्रू इकनॉमिक सर्विलियंस जब आई एम एफ इकनॉमिक सर्विलियंस करता है तो आई एम एफ ये भी मोनीटर करता है डेवलपमेंट्स uh, को भी मोनिटर करता है कि भाई मेम्बर इकनॉमीज़ जो हैं यानी कि जो भी आई एम एफ़ के मम्बर कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से uh, जो है आई एम एफ डेवलपमेंट कर रही हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्रीज़ डेवलप करेंगी उतना ही ज़्यादा ग्लोबल इकनॉमी भी डेवलप होगी उसके बाद आई जो है अपने मेंबर्स को पैसा लेंड करता है उधार देता है ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से जितनी जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें अब हम बात करेंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है थ्री तीन भागों में डिवाइडेड है जो कि है पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ट्वेंटी फोर तीसरा है मैनेजिंग डायरेक्टर तो, तो ये इलेक्ट और अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि जिसमें चौबीस मेंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं चौबीस एग्जीक्यूटिव ट्वेंटी फोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसमें <coughs> वो तो तीन यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं आईएमएफ के जिसमें तीन अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है बोर्ड ऑफ गवर्नर एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर साथ ही साथ इसके डिटेल में जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट बॉडीज बताई गई हैं जो कि अभी हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये पढ़ना ज़रूरी है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो रहती हैं कि ईच गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय हर रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्री ओके तो जो भी गवर्नर बनेगा वो अपनी उसमें उसकी मेंबर कंट्री के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जैसे मान लो इंडिया अगर आईएमएफ का मेंबर कंट्री है तो इंडिया की तरफ से इंडिया उस बंदे को उस पर्सन को सिलेक्ट करेगा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल होगा साथ ही साथ इलेक्ट और अपॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं उनको चुनाव करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो एडवाइस बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी से उन एडवाइस मिलती है और डेवलपमेंट कमेटी उनको जो है निर्देशन देती है और एनुअल मीटअप बिटवीन द बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग टू डिस्कस द वर्क ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स भी होती हैं उनके वर्क रिलेटेड डिस्कशंस को लेकर <coughs> उसके बाद आता है मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ तो मिनिस्ट्रियल कमिटीज के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मोनिट्री एंड फाइनेंशियल कमेटीज़ जिसके बारे में भी हमने पढ़ा और साथ ही साथ डेवलपमेंट कमेटी तो इनके रोल्स बताए गए हैं तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करते हैं दोनों चीज़ें और साथ ही साथ ये जो भी आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट है उसमें अमेंडमेंट का कार्य भी यही करते हैं यानी कि कोई अल्ट्रेशन कोई अमेंडमेंट लाना है कोई नया रूल बनाना है तो उनका काम होता है ये टू सॉल्व द इश्यू इन डेवलपिंग कंट्री दट आर रिलेटेड टू इकनॉमिक डेवलपमेंट जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं उनको भी ये सोल्व करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या कार्य होता है यानी कि वो ट्वेंटी फोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या काम होता है यहाँ पे वो बताया गया है तो नंबर वन होता है कि ये फंड्स के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं साथ ही साथ ये जो बोर्ड होते हैं नॉर्मली डिसीज़न लेते हैं बट समाइम्स फॉर्मल वोट्स आर टेकिंग लेकिन कभी कभी जो है वोट्स भी लिए जाते हैं मेंबर्स के मेंबर कंट्रीज के अब हम आ जाते हैं हमारे आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स पर कि आईएमएफ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उद्देश्य हैं तो हम जानते हैं आईएमएफ जब डेवलप हुआ था वाज़ एन इनिशिएटिव एक पहल थी इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करने की अनेबल इंटरनेशनल ट्रेड जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आया इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी आई तो अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई का मेन उद्देश्य है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना हाई एम्प्लॉयमेंट लाना पॉवर्टी को कम करना डिमिनिश करना वर्ल्ड में और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आईएमएफ के हम जानते हैं ट्वेंटी नाइन कंट्रीज थी उनका ये गोल था ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को रीडूइंग करने का तो टुडे आज के डेट में आईएमएफ के मेंबर्स हैं 189 यानी कि 189 कंट्रीज़ जो हैं आईएमएफ से जुड़ी हुई हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन ऑफ द वर्ल्ड की जो भी ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन है वर्ल्ड में उसको इम्प्रूव भी करना साथ ही साथ उसको प्रमोट भी करना दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से करना किस तरीके से एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मिनिमाइज करना और एलिमिनेटिंग करना इससे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकते हैं बेसिकली यहाँ पर इनस्टेबिलिटी आना था तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इनस्टेबिलिटी तो इनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को कम करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना और टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड एक बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करना यू नो बैलेंस बना रहे और हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना इनका उद्देश्य है इकनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना यानी कि हेल्प करना और एक सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं ये पॉवर्टी को कम करते हैं अराउंड द वर्ल्ड तो ये इसके क्या हैं मेन ऑब्जेक्टिव हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है वट आर दी फंक्शंस क्या फंक्शंस हैं आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के क्या कार्य हैं तो आईएमएफ जो है मेनली फोकस करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सुपरविज़न करने में यानी कि उनको अच्छे से उन पर नज़र रखता है निगरानी रखता है अलोंग विद प्रोवाइडिंग क्रेडिट साथ ही साथ उधार भी प्रोवाइड कर जाता है कंट्रीज़ को जो भी मेम्बर कंट्रीज़ हैं उनको और इसके जो फंक्शंस हैं उनको थ्री टाइप्स में थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है नंबर वन है रेगुलेटरी फंक्शंस तो रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में क्या बोला गया है कि आईएमएफ के क्या रेगुलेटरी फंक्शंस हैं तो नंबर वन आईएमएफ फंक्शन एज अ रेगुलेटरी बॉडी आईएमएफ जो है एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह कार्य करता है एज़ पर द रूल्स ऑफ़ द आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट जो भी आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट में रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग साथ ही साथ वो कोड ऑफ कंडक्ट को भी फोकस करता है एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ के लिए और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की पेमेंट पर भी तो ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी की तरह भी वर्क करता है दूसरा फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें तो आईएमएफ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और मेंबर कंट्रीज़ के लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्स है आई तो मेंबर कंट्रीज़ को जब भी ज़रूरत होती है पैसों की चाहे वो शॉर्ट टर्म ज़रूरत हो चाहे वो मीडियम टर्म हो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए तो वो आईएमएफ से मदद ले सकते हैं तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल फंक्शन है इसका आईएमएफ का तीसरा कंसल्टेटिव यानी कि सलाहें देना तो आईएमएफ इज़ अ सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द मेंबर कंट्रीज़ एक तरीके से सेंटर है ये जिस तरीके से हमारी मेंबर कंट्रीज़ का यू नो कोपरेशन बना रहे इट ऑल्सो एक्ट एज़ अ सोर्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस तो कोई भी किसी तरीके का टेक्निकल uh, इशू आता है तो उसमें भी uh, जो है आई एम एफ असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है अपनी हेल्प देता है तो ये था आई एम एफ का फुल टॉपिक आई होप आपको आई एम एफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हुई होगी स्ट्रक्चर पढ़ा आज की वीडियो में हमने फंक्शंस इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े इसकी हिस्ट्री पढ़ी और साथ ही साथ आई का ये सब टॉपिक हमने कवर किया आज की वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच